नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया हौसला अफजाई, बिल्लौर बेटी निर्मला का सीएम ने किया सम्मान। पिता गुब्बर पाखी पास, मजदूरों कतल चलाते हैं घर। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत, रमन सिंह ने सरकार को लिया आड़े हाथों। नकली शराब की कहानी पर लगा अंकुश, जनता की जान से किया जा रहा है खिलवाड़, सुपरवाइजर के इशारे पर होती थी मिलावट। भैयानाथ कुंदरगढ़ में बारिश का असर, कोरिया में माता के मंदिर में भरा पानी, भारी बारिश से मंदिर के भीतर पहुंचा पानी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, छत्तीसगढ़ में 114 कोरोना पॉजिटिव, 73 मरीजों की छुट्टी और एक की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। जशपुर दुलदुला ब्लॉक स्थित ग्राम झरगांव निवासी निर्मला का सम्मान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। उसे स्वच्छदान मद से आगे की पढ़ाई के लिए 1,00,000 रुपए और लैपटॉप भी दिए गए हैं। बिल्लौर बेटी निर्मला ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है, अब वो कॉलेज भी जाना चाहते हैं। निर्मला बाई अति पिछड़ा बिल्लौर जनजाति वर्ग से आती हैं। अब उनकी सफलता के बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पता चला तो उससे बहुत प्रभावित हुए। मंत्री अमरजीत भगत जशपुर जिले के प्रभारी भी हैं। उन्होंने अपने हाथ से जाकर निर्मला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलवाया। उन्होंने निर्मला की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अभावों को खुद के पर हावी नहीं होने दिया और परीक्षा में सफलता हासिल की। ऐसा करके उसने अपनी जैसी छात्राओं के लिए एक मिसाल कायम करी है जो उच्च शिक्षा में भविष्य को संवारना चाहती है। निर्मला का परिवार अत्यंत गरीब है, पिता कुंवर राम पांचवी पास है, खेती करके मजदूरी करते हैं। वह माता बेरसमनी बाई अशिक्षित घरेलू महिला है। परिवार में माता पिता, दो भाई दो बहन सहित 6 सदस्य हैं। इसमें निर्मला सबसे बड़ी है। उन्होंने भाई बहनों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया। निर्मला शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जशपुर में रहकर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमा विश्वविद्यालय जशपुर नगर में कक्षा 12वीं की परीक्षा 58% अंक के साथ पास की है। बिल्लौर समाज में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। निर्मला के पढ़ने की रुचि का ख्याल रखते हुए उनके पिता ने शादी के लिए दबाव नहीं डाला, उन्होंने निर्मला को इच्छानुसार पढ़ने दिया। जिले में बिल्लौर जनजाति के कुल 161 परिवार है जिसमें कुल 515 सदस्य निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा। लंबे इंतजार के बाद हुई नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार को आड़े हाथ लिया है और सीएम बघेल पर बीजेपी के राह पर चलने का आरोप लगाया है। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया गया, सवाल इस बात का है कि क्या हालात, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कांग्रेस में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो सैकड़ों साल का लंबा इतिहास इसका है, वो राजनीतिक दल में आज ये हालत है कि स्वाभिमानी, ईमानदार और मजबूत लोग जो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि करते थे, उनको आज अपमान के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस में कोई पद में रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी, डिप्टी सीएम रहते हुए भी आज उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा, सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह हालात है, एक पार्टी, एक परिवार और एक परिवार की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उनके इशारे में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और इस प्रकार के ओजस्वी और युवावान लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जो भविष्य में कुछ कर नहीं सकता, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को काटा जा रहा है। ये तो सोची समझी साजिश का हिस्सा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है,
पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में अस्तित्व मिटता जा रहा है, और जो कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उस राजनीतिक दल के आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि ये इस पे कांग्रेस को विचार और पुनर्विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि आज कांग्रेस संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है, ऐसा करके कांग्रेस भाजपा की ही परचिन्हों पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाया था, और आज कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि भाजपा ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा संसदीय सचिव बनाए गए थे, पूरे 5 साल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करते रहे, उनके कार्यों का विरोध करते रहे, और आज सरकार में आने के बाद में अब उन्हीं चीजें उनको अच्छी लगने लगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद में उसी रास्ते पे चल करके आज संसदीय सचिव बना रहे हैं। कबीरधाम जिले में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन और आम जनता परेशान है, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई, इसके बाद भी कई संगठन बैठक कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे जिले में कोरोना के बढ़ने की अधिक संभावना है। बता दें प्रकार पंडरिया में सरपंच संघ के गठन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। ये बैठक छोटे से कमरे में हुई, जहां नियमों का पालन नहीं किया जा सका। यहां यूं कहें कि खुद जिम्मेदार नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। खबर खोंगा पानी से है, जहां मिलावटी शराब को लेकर क्षेत्र में लोगों ने नियंत्रण शिकायतें मिल रही हैं। और खोंगा पानी में संचालित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान में पुलिस ने कार्य योजना बनाकर रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ लिया। जनता के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अंग्रेजी शराब दुकान के मिलावटखोर कर्मचारियों के ऊपर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई की। शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को खोंगा पानी के सुपरवाइजर और सेल्समैन के विरुद्ध अपराध सबूत पाए गए हैं। आबकारी एक्ट की धारा तहत आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में अवैध कारोबारियों में दहशत है, पुलिस की तारीफ की जा रही है। भैया थान कुदरगढ़ में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते माता के मंदिर के ऊपर पानी भर गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि पहली बार हुआ है जब माता के मंदिर के अंदर पानी घुसा है और पानी ऊपर से बह रहा है। रायगढ़ नगर निगम में MIC की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा के बाद 10 प्रमुख एजेंडे को रखा गया, जैसे प्लेसमेंट, सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने, प्रमोशन समेत कई मामलों पर चर्चा करी गई। ये बैठक महापौर कक्ष में रखी गई थी। और MIC सदस्य पूरा उपस्थित थे।
और इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि जो राष्ट्रीय परिवार सहायता है 55 है, आपात्र पात्र दोनों वो है, और इसमें पार्षद निधि से जिम का मेंटेनेंस भी है। कोरबा में क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को जहरीली जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर कलेक्टर किरण कौशल ने बैठक में क्वारंटाइन सेंटरों में जहरीली जीवों से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में जहरीले जीवों का प्रकोप अधिक हो जाता है, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारियों के नियमित अंतराल में सेंटरों का निरीक्षण और जहरीली जीवों से बचाने की सुरक्षा के उपाय, सेंटर में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, बीमारी की हालत आदि की गहन निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोड़े भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बिहार पिछड़े क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की कार में लापरवाही की खबरें तो आम बात हैं, लेकिन अब आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तुर्की को दिखाते हैं जो अनवरत 15 सालों से उभर खबर रास्तों से 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलें और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो सरगुजा जिले की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम, ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तुर्की। सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुँचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तुर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सिर के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आते है मैडम, सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवा दवाई सब देता है, गोली गल देता है। वही सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती हैं। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है, साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहां पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूं और यहां पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूं और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें, पहाड़ अब आगे पीछे दाया बाया तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर, दो बार आते हैं सप्ताह में, कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं, यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तुर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तुर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गाँव है, वहाँ पर मगदली तुर्की नाम की एक
स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है, नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है, न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिरकी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती हैं, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिरकी के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Literacy School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Mundao. Corona संकट काल में K News India की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले में लोन वर्राटो अभियान से पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही। नक्सलियों का साथ छोड़कर आज 5 माओवादियों ने बोदली कैंप के दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव व सीआरपीएफ डीआईजी जीएन लाल के समक्ष सरेंडर किया। जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोन वर्राटो अभियान के तहत सभी नक्सलियों का बैनर पोस्टर चस्पा करके नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने हेतु लगातार अपील की जा रही है, जिसे प्रभावित होकर आज 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लोन वर्राटो से लगातार सफलता मिल रही है। अब तक कुल 53 नक्सलियों ने संगठन के साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ी सफलता है। जैसा आपने पूछा कि पुलिस को क्या फायदा हुआ, तो मैं तो पहले ये बताऊंगा कि पुलिस से ज्यादा गांव वालों को, यहाँ के लोगों को फायदा हुआ है। पुलिस को तो जो फायदा हुआ है सो हुआ ही है, वो आप लोग देख ही रहे हैं कि पुलिस, हम लोग अंदरूनी इलाके तक, अबू जमाड़ा के इलाके में अंदरूनी इलाके तक आके अपना कैंप स्थापित कर लिए, लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं। हम पहले, हमको जाना पड़ता था लोगों से बात करने के लिए, अब लोग हमारे पास आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हाँ साहब हमारे यहाँ कैंप खुलवाइए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल दीजिए। गुरुदयाल बंजारे को भूपेश सरकार संसदीय सचिव बनाए जाने की घोषणा के बाद बेमतरा जिले भर के उनके समर्थकों शुभचिंतकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने बेमतरा के घड़ी चौक पर काफी देर तक आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुदयाल बंजारे के संसदीय सचिव बनने से बेमतरा का कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। कोरबा जिला पुलिस के द्वारा जिले में नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाने की शिकायत की जा रही है, जिसके चलते सड़क दुर्घटना होने के बाद भी आशंका बनी रहती है, जिसके चलते बिना कागजात के वाहन चलाने वालों के ऊपर जिला यातायात पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग चलाया गया। इतना ही नहीं, चार पहिया वाहनों पर लगी हुई काली फिल्म एवं वाहनों के नंबर प्लेट को भी जाँच की जा रही है। इस प्रकार रोजाना 20 से 25 गाड़ियों का चालान तो कर ही दिया जाता है। इस प्रकार की चालानी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
पुलिस मुख्यालय और आईजीपी कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिले में जो अस्त व्यस्त गाड़ियां हैं और जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर में जैसे कि बिना नंबर की गाड़ियां, बिना लाइसेंस और जो नाबालिग बच्चे हैं, और वैसे ही फोर व्हीलर में जो काली फिल्म का उपयोग कर रहे हैं और जो शराब पिए हुए हैं, इस तरीके के लोगों को रोक कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में विगत लगभग 15 दिनों से शहर के अलग अलग चौक चौराहों पे इसकी चेकिंग की जा रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां दीनदयाल कॉलोनी में रह रहे युवक को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। बता दें युवक के घर में हथियार बना रहा था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाल एसएन सिंह ने पुलिस बल के साथ युवक के घर पर दबिश देते हुए युवक को धर दबोचा। बता दें पुलिस ने उसके घर से देशी तमंचा, बंदूक और 12 बोर के 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद आरिफ है, उम्र तकरीबन 36 वर्ष के आसपास है, रहने वाले गया बिहार के हैं और वर्तमान में दीनदयाल कॉलोनी उड़दना में निवासरत है। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक 12 बोर की बंदूक और 315 के करीब 5 जिंदा राउंड और 4 करीब खाली खोखे, उसी प्रकार से करीब SLR के 2 जिंदा कारतूस। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 15 संसदीय सचिव नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में संसदीय सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। संसदीय सचिवों की नियुक्ति में भाजपा के बड़े नेताओं को हराने वाले विधायकों को प्राथमिकता दी गई। सिर्फ 2 विधायकों चिंतामणि महाराज और पारसनाथ रजावड़े को छोड़कर बाकी पहली बार के विधायक बने हैं। महिला कोटे ने 3 विधायक शकुंतला साहू, अंबिका सिंहदेव और रश्मि आशीष सिंह को मौका मिला है। राजधानी से रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय को तरजीह दी गई। संसदीय सचिव बनाए गए विधायकों में रायपुर संभाग के 5, सरगुजा के 4, दुर्ग के 3, बस्तर के 2, बिलासपुर का 1 विधायक शामिल है। बिलासपुर के धुमाल संचालकों ने अन्य व्यवसायियों की तरह उन्हें भी नियमों के दायरे में रखकर ऑर्डर लेने की अनुमति मांगी है। बता दें कि एक धुमाल की टीम ने 40 से 50 सदस्य होते हैं, जो 3 महीनों में से एक वक्त खाली है, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, जिसके चलते मंगलवार को सभी धुमाल संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े व्यवसाय से अपनी आर्थिक स्थिति को बयान किया है। सदस्यों ने नियमों के दायरे में रख धुमाल बजाने की अनुमति प्रशासन से मांगी। धुमाल को लेके, धुमाल की कुछ मांगों को लेके धुमाल संघ वाले हम लोग सारे के सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार 20 मार्च के बाद हमारा काम बंद था, जो हमारा मेन सीजन था। इसी सीजन में हमारी सारी कमाई होती है। इस सीजन के लिए हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। कोई धुमाल संचालक उधारी लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बहुत तैयारियां की हुई थी, लेकिन सारा कुछ ठप पड़ गया। अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, ना लड़कों को देने के लिए, ना हमारा दुकान किराया देने के लिए, ना हमारा खुद का परिवार पोषण करने के लिए कुछ भी पैसे बचे नहीं हुए। तो हम यहाँ ये अनुमति लेने आए हैं कि या तो हमको काम चालू करने की अनुमति दे दीजिए। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ में स्थित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर
यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार यूपी में वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर भी पौधारोपण कर रहे हैं और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सैनिक स्कूल में मौजूद हैं डायमंड जुबली पर, और वहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया है। पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं, और सैनिक स्कूल पहुंचकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर रहे हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है वृक्षारोपण का महाअभियान चला करके। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सैनिक स्कूल पहुंचकर डायमंड जुबली में वृक्षारोपण का अभियान चला और यहां पर भी उन्होंने पौधारोपण किया। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया है। यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया है। पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, हर जगह हर जिले में पौधारोपण किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।